नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको लेकर के वो ले सकते हैं। चले, यानी कि उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जा रहा है। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के राम कौंडिन्या भी अब यहाँ पर जुड़े हैं। राम, शुक्रिया आपका हमारे समय के लिए। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी बड़ी चिंता का विषय ये है, क्योंकि काफी सीड टेररिज्म कोई बहुत नई चीज नहीं है। जैसे असीम बता रहे थे कि 30 साल पहले भी हम इससे एक बार यहाँ पर जूझ चुके हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कितना बड़ा थ्रेट ये है? अभी तक तो ये हकीकत तो ये है कि अभी तक कुछ पैकेट्स आए नहीं है इंडिया में जी। ये ज्यादातर बाहर देशों में आए हैं, और जो भी आए हैं वो ज्यादातर वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का सीड्स आए थे अनसोलिसिटेड पैकेट्स में। इंडिया में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते हैं इन सीड। तो अगर किसी को अनसोलिसिटेड आते हैं फार्मर लेवल पे तो ये होता नहीं है। ज्यादातर ऐसे वेजिटेबल सीड वगैरह अगर कुछ कोई भी उसका ऑर्डर करते हैं तो वो शहर से जो किचन गार्डनर्स है ऐसे लोग ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम्स बहुत टाइट है, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स में या पोर्ट्स में हमारे प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम्स है। जो भी इंडिया के अंदर आते हैं वो उसके द्वारा आते हैं और उसका टेस्टिंग वहाँ होता है। तो उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हालत है आजकल, तो ज्यादा अलर्ट रहने का जरूरी है वहां पे। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें इतना हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने से लोगों में कि अगर ऐसा कोई भी पैकेट आया तो उसको आप प्लांटिंग मत कीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कि ये तो दो चीज करना पड़ेगा हमको, एक तो हमारे पोर्ट्स में प्लांट क्वारंटाइन में कस्टम्स में हमको जो सावधानी से हम करते हैं वो ज्यादा करना चाहिए आजकल, और लोगों में इसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि अगर ऐसे पैकेट आते हैं तो उसको प्लांट नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और मैं मानता हूं कि ये कर सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं। जो बात कर रहे हैं कि 30 साल पहले गेहूं में हमको आया था, गेहूं का सीड जब हम लाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत भारी क्वांटिटी में आते हैं। तो उसी उस उतना क्वांटिटी में जब 1% भी आता है ऐसे सीड, वीड्स बोलते हैं जो खरपतवार है वो आते हैं ऐसे जी। तो वो हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स में आ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप राम अभी कह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसे पैकेजेस इंडिया में आए भी नहीं है, और ये जो वार्निंग है ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पर ली गई है। राम, सिंस आप हमारे साथ हैं ही, तो किस तरह से इस बार सीड की डिमांड देखने को मिली है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, खरीफ की जो पैदावार है वो भी हमने पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बेहतर आते हुए देखी है। कुछ कंसर्न्स जैसे आपने पहले भी कहा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर है, लेकिन ओवरऑल आप ये साल कैसे देखते हैं सीड इंडस्ट्री के लिए? सीड इंडस्ट्री के लिए साल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया पहले कि वेजिटेबल्स में जैसे वेजिटेबल्स में थोड़ा एरिया कम हुआ है, क्योंकि वो फार्मर लेवल पे उसके ऊपर थोड़ा उनका कंसर्न यह है कि वो बिक सकेंगे, वो बेच सकेंगे कि नहीं। तो उस प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने एरिया कम किया है 20%, लेकिन बाकी सब राइस में एरिया बढ़ा है, मेज में एरिया सेम रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइस ठीक नहीं है, और कॉटन में एरिया थोड़ा बढ़ा है, और पल्सेस में एरिया बढ़ा है। तो मैं मानता हूँ ऑयल सीड्स में एरिया बढ़ा है, तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छी साल रही है अभी तक। खरीफ तो बिल्कुल अच्छा रहा है, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था जी। तो हम बहुत कंसर्न थे कि ये बहुत बड़ा हमको इससे ये खतरा हो सकता है जी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे, सीड्स को बहुत सपोर्ट किए थे सीड इंडस्ट्री को, तो उसके वजह से हमारा सिचुएशन जो है आज हालात बहुत अच्छा है। राम, जब आपने कहा कि 20% गिरावट हमने देखी है, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों को मिला के है या सिर्फ वेजिटेबल्स? सिर्फ वेजिटेबल्स में। और फ्रूट्स में आप कहेंगे नंबर इतने बुरे नहीं है? फ्रूट्स में तो ज्यादा हर साल सोइंग नहीं होता है, और फ्रूट्स में ज्यादातर पेरेनियल क्रॉप्स है, तो फ्रूट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वेजिटेबल्स में मैं मानता हूँ कि एक क्योंकि एरिया कम हुआ है, एक महीना दो महीने के अंदर वेजिटेबल्स का सप्लाई में थोड़ा फर्क आएगा। ओके। क्योंकि ये क्रॉप जब आएगा तो वो कम होगी। कम होगी जी। राम बहुत शुक्रिया, और आप शो से मुझे पहले कह रहे थे कि आपकी हिंदी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन शुक्रिया हिंदी बोलने के लिए, और आपकी हिंदी काफी साफ है।
थैंक यू वेरी मच। ओके, इसी के साथ अब एक ब्रेक लेंगे और आगे हम जोड़ेंगे अपने दर्शकों को, लेंगे उनके सवाल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही जो उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करेंगे।